और इस वक्त बड़ी खबर, रोहतास से खुले में शौच करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी लोगों को थाने में लाकर माला से स्वागत किया गया है। लोग मान नहीं रहे थे, सभी आरोपी को जेल भेजा गया है। करगहर थाना क्षेत्र का ये मामला है। अभी तक ये जरूर आपने सुना होगा कि गिरफ्तारी होगी, लेकिन यहाँ गिरफ्तारी ना केवल हुई बल्कि ये देखिए माला पहनाई जा रही है। ये एक तरीके से विरोध किया जा रहा है कि भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया है खुले में शौच करके, ये लीजिए हम आपका स्वागत करते हैं। ये तरीका है आजकल, वो तरीका लोग सुनते नहीं है कि पिटाई कर दें या फिर और गलत तरीके हैं उस तरीके से, इसीलिए अब एक अलग तरीका। जरा देखिए किस तरीके से ये जो लोग हैं, इन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिन्हें इन्हें सम्मानित किया जा सके, लेकिन खुले में शौच जरूर किया है, इसीलिए ये इस तरीके से 9 लोगों को पकड़ के थाने में लाया गया है और इन्हें माला पहनाई गई है, इनका स्वागत किया गया और उसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। खुले में शौच करते 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। अगर आप लोग भी उस इलाके में रहते हैं, खुले में शौच जा रहे हैं, तो कल के दिन टीवी पर आपका भी ऐसे ही होने वाला है, माला पहनाई जाएगी आपको कि आप नहीं मान रहे हैं तो ये लीजिए आपको माला पहनाते हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक तरीके से ये व्यंग है उन लोगों पर जिन लोगों को समझाने के बाद भी खुले में शौच के लिए जाते हैं और उसके बाद अब उन पर कार्रवाई के नाम पर उन्हें 9 लोगों को पकड़कर थाने में लेकर आए और उसके बाद अब उन्हें जेल भेजा गया है। करगहर थाना क्षेत्र का ये मामला है। इन 9 लोगों को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि खुले में शौच मुक्त हो भारत, लेकिन कुछ लोग, हालांकि वजह क्या है, क्या वहां पर शौचालय नहीं है इसीलिए लोग जा रहे हैं, या फिर वजह ये है कि उनके पास शौचालय होते हुए भी कई लोग, जो कि हम फिल्म में भी देख चुके हैं किस तरीके से लोग अपनी सोच नहीं बदलना चाह रहे हैं। इन लोगों को जो आप सम्मानित ये माला फूल माला पहने देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो खुले में शौच के लिए गए थे। ये 9 लोग पकड़कर थाने लाए गए हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।